children, welcome to my EduWorld channel and especially welcome to the students of Standard 4 because I have come with the material of Standard 4. आइए बच्चों, आज मैं स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए साइंस विषय का दूसरा नंबर चैप्टर जो टॉपिक नेम है प्लांट्स एंड सर्वाइविंग को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। मैं लिख चुका हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर है वह स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर 2, टॉपिक नेम है प्लांट्स एंड सर्वाइविंग। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोग चैप्टर 1 का एपिसोड, चैप्टर 1 जो मैंने दिया है उसका वीडियो आप लोग देखे होंगे और उससे जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पर आप लोगों के ग्रुप में मैं सेंड कर चुका हूं। आप लोग उसको निश्चित रूप से अपने फेयर नोटबुक में लिख लेंगे और याद भी करना प्रारंभ कर दें। और टॉपिक को, चैप्टर को तो मैं यहां पर एनालाइज करके समझाता ही हूं और आप अच्छी तरह समझते ही हैं। अगर इस टॉपिक में समझने में कहीं कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो को बार बार देखें, व्यू करें और उसके बावजूद भी यदि नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें या आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करें या फिर अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम उसको आप भेजिए, मैं उसका तुरंत उत्तर दूंगा। आइए, चैप्टर है, मैं स्टार्ट करता हूं प्लांट्स एंड सर्वाइविंग चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए साइंस विषय में। इसमें आप पहले, सबसे पहले आप बुक्स को देखें एक बार। ये बुक्स आपके क्लास का है और इसको एक बार जरूर आप देखें। देखिए बच्चों, मैं कैमरा के सामने ला दिया हूं, ये लेसन 2 है प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। प्लांट्स एंड सर्वाइविंग मैंने टॉपिक लिखा है, ये प्लांट्स है लिविंग एंड सर्वाइविंग। आप देख सकते हैं, आप अच्छी तरह से देखें, इसमें सबसे ऊपर में एक पिक्चर दिखाया गया है व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो आप पहले से जानते हैं उसके बारे में है, और एक ब्लैंक बॉक्स छोड़ा गया है, पिक्चर दिया गया है जिसमें पहले बॉक्स में एच लिखा हुआ है, दो बॉक्स आपका ब्लैंक से और फिर एल दिया हुआ है। अब आपको आइडिया लेना है पिक्चर देखकर किसमें क्या है। उसी प्रकार दूसरा है, पहले बॉक्स में डी है, दूसरा ब्लैंक से, तीसरा में एस है और फिर दो ब्लैंक बॉक्स है, लास्ट वाले बॉक्स में टी है। जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें जो अप्रोप्रिएट लेटर है उसको आपको भरना है। पिक्चर को देखते हुए इमेजिन करें कि क्या होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा और चौथा पिक्चर को आप देख रहे हैं, आपके सामने है। इसमें पहले पिक्चर में आप जैसा देख रहे हैं H, तो ये पहाड़ी जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब है H I डबल L यानी हील, H I L L, इसमें आप I L भर देंगे बॉक्स में। दूसरा है डेजर्ट, D E S E R T, डेजर्ट। तीसरे नंबर में आप देख सकते हैं प्लेन्स, प्लेन्स है मैदानी क्षेत्र। देखिए, मैं और नजदीक ला दिया, इसमें ये वाला देखिए P L A I N, प्लेन। तो आप देखिए चौथा नंबर पिक्चर जो आपके एकदम ठीक स्क्रीन के सामने है, ये लग रहा है सी कोस्ट, S E A C O A S T S या C O A S T कोस्ट। सी कोस्ट मतलब समुद्री तल, समुद्री तट, ये है। तो इस प्रकार आप जो कुछ पहले पढ़े हैं इसका ये रिवीजन हुआ। और इसके बाद जो है व्हाट यू विल नो, इसमें मैं बोर्ड पर भी लिख चुका हूं या आप बुक्स में भी देखें, व्हाट इज हैबिटेट एंड हैबिट, व्हाट इज हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, हाउ डू प्लांट सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, कैन प्लांट सर्वाइव अंडर वाटर, हाउ डू अनयूजुअल प्लांट सर्वाइव। ये आप देख रहे हैं जो कि मैं बोर्ड पर भी लिखा हूं, ये आपका ये मेन चार चीज है जो कि आप इसमें जानेंगे। अब आइए, अब आप इस तरह से बुक्स को आपने देख लिया, अब टॉपिक पर हम आते हैं फिर से और इसके बारे में कुछ चर्चा करें। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग इसको फिलअप किए बुक्स के, द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। बच्चों, मैंने कहा है, फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं,
कि जब कभी हम पढ़ाएं तो बुक्स को आप लोग ओपन कर लें, नोटबुक सामने रखें, पेंसिल या पेन को अपने सामने रखें, और आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं लाइन बाय लाइन वैसे आप भी रीडिंग दें। आप सभी बच्चों के पास बुक्स होगा, बुक्स को सामने रखें और उसको रीडिंग दें। देखिए बच्चों, द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर, ये पृथ्वी जो है यहां लैंड और वाटर दो ही है ना। आप देखे होंगे ज्योग्राफी का भी मैंने दिया था, उसमें दिखाया था पूरे पृथ्वी का तीन भाग जल है और एक भाग स्थल है। तो लैंड है और क्या है, वाटर है। लैंड और वाटर पृथ्वी पर है, पूरी पृथ्वी लैंड और वाटर से ढकी हुई है। अब लैंड का भी बहुत सारा है, देखिए प्लेन्स एरिया है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, हिल्स है, ये सब देखिएगा। हाँ, फिर प्लेन्स का भी बहुत सारा है, फर्टाइल है, नॉन फर्टाइल है, डेजर्ट है, हाँ, इसमें डेजर्ट भी है, ये सब भी देखेंगे आप प्लेन्स में। और इसके बाद आप देखेंगे जो थर्ड तीन भाग वाटर है उसमें भी देखेंगे, उसका भी कई स्वरूप है। उसमें आप देखेंगे कि रिवर है, लेक है, सी है, ओशियन है, ये सब तो वाटर बॉडी है। तो चलिए हम आते हैं फिर से आपके विषय वस्तु पर। द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर, द लैंड पार्ट इज वेरी डाइवर्स, इट कंसिस्ट ऑफ हाई माउंटेन्स, ड्राई डेजर्ट्स, फ्लैट प्लेन्स, वेट मार्सेस एटीसी। द वाटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी एंड ओशियंस। जस्ट मैंने अभी आपको कहा, इसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है। द लैंड जो होता है वो बहुत ही डाइवर्स था, बहुत उसमें विविधता है इसमें लैंड में। इसमें क्या क्या होता है, माउंटेन्स होता है, ड्राई डेजर्ट होता है, डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को, माउंटेन्स पहाड़ी, और फ्लैट प्लेन्स खेती वाला जो जमीन था, प्लेन्स मैदानी क्षेत्र, वेट मार्सेस और कहीं कहीं दलदली वाला, दलदली युक्त जमीन होती है तो दलदल होता है। और द वाटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ पॉट्स, जो वाटर पार्ट होता है उसमें तालाब, पॉट्स मीन तालाब, लेक मीन्स झील, और रिवर्स नदियां, सीज समुद्र, और ओशियंस महासागर, ये सारे आते हैं। ठीक बच्चों, अब आइए, प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, पौधे जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो लैंड पर भी है और वाटर में भी है। वाटर में भी आप देखेंगे सी के नीचे और ओशियन के नीचे बहुत ऐसा सब मिलता है, प्लांकटन और सब जो व्हेल मछली खाती है, तो बहुत बड़े बड़े पौधे मिलते हैं, ठीक ना। तो प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, द प्लेस वेयर ए प्लांट ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड द हैबिटेट, जहां प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं, प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ते हैं, वही उसका हैबिटेट है। बच्चों आप एक प्रश्न आया, मैंने यहां पर लिखा था कि प्रश्न है व्हाट इज हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, इसको जानना जरूरी है हैबिटेट। अब इसके लिए आप थोड़ा सोचें, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें, आप कहां रहते हैं, जहां रहते हैं वह आपका रहने का स्थल है। उसी प्रकार आप देखेंगे हैबिटेट का मतलब हो गया प्लांट्स का रहने का स्थल, या मनुष्य का भी, किसी भी जीव का जो जहां रहता है, जिस सराउंडिंग में रहता है, जिस क्लाइमेट में रहता है, जिस क्लाइमेट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो वहां उसके लिए वो हैबिटेट हो जाता है, और इसी से बनता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स होता है जहां वो रहता है वहां का जो क्लाइमेटिक सराउंडिंग से उसके साथ जो सामंजस्य स्थापित कर लेता है जीव, जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी प्लांट्स या एनिमल्स, जो भी जो एडजस्ट कर लेता है उस क्लाइमेट को, तो उसके लिए वो एडेप्टेशन होता है। समझिए बच्चों, तो ये जो पॉइंट है, व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट इज द होम ऑफ लिविंग बीइंग, एंड एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इज द कंडीशन इन विच द प्लांट्स और एनिमल्स और लिविंग बीइंग्स एडजस्टेड, जहां पर वो एडजस्ट करते हैं। तो आइए, हाउ डू प्लांट सर्वाइव इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, आप इसके बारे में जानेंगे, कैसे प्लांट्स सर्वाइव करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरणीय, पर्यावरण मतलब आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वह लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी, या नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसके साथ जो आप इस उसका जो कंडीशन होता है, उस कंडीशन के साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, आप अपने आप को हैबिटेट कर लेते हैं, वहां रहने के लायक बना लेते हैं, एडजस्टमेंट हो जाता है, एक तरह का एडजस्टमेंट,
भी कहा जा सकता है, आप एडजस्ट कर जाते हैं तब वहां आप सर्वाइव करने लगते हैं, तभी आपका विकास बढ़ता है, जैविक विकास बढ़ता है, सर्वाइव करते हैं। तो इसके बारे में, हाउ डू प्लांट सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल, कैसे सर्वाइव करता है। अब जल में रहने वाला जो प्राणी है उसके लिए वो अनुकूलन, विशेष मछली है, मछली जल में रहती है तो उसके लिए प्रकृति द्वारा ही, नेचर द्वारा ही वैसा उसको बनाया गया है जो मछली तैर सके। उसका श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया, उसका सांस लेने का जो गिल है या जो भी है, वो ऑर्गेन भी अलग सिस्टम से बनाया गया है, जो वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करने का क्षमता उसमें था, वो क्षमता हम लोग में नहीं होता है। तो यानी कि जल में रहने वाला जो जीव है वो जलीय जीव, जिसको एक्वेटिक हम एनिमल बोलते हैं, जलीय जीव को एक्वेटिक एनिमल और जलीय पौधे को एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक एनिमल जो भी माने जल में रहता है, वाटर में, वाटर बॉडी में रहता है, तो उसके मुताबिक, उस कंडीशन के मुताबिक नेचर उसको उस तरह से बनाता है और कुछ उसका बॉडी भी उसके साथ एडजस्ट करता है, वही एडेप्टेशन कहलाता है बच्चों, यही है एडेप्टेशन। आइए अब तीसरा भी प्रश्न देख लीजिए, कैन प्लांट सर्वाइव अंडर वाटर, क्या प्लांट्स अंडर वाटर सर्वाइव करता है? बिल्कुल करता है, और किस कंडीशन में कैसे करता है ये जानकारी हम लोग इस चैप्टर में लेंगे। आगे देखिए, हाउ डू अनयूजुअल प्लांट सर्वाइव, अनयूजुअल असामान्य पौधे किस तरह सर्वाइव करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। अब फिर से मैं आता हूं, आपको बुक्स लेता हूं, बुक से आपको फिर से बताता हूं भाई। तो आप लोग जानेंगे हैबिटेट क्या है, आप लोग जानेंगे प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, द प्लेस वेयर ए प्लांट ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ये प्लांट्स हैबिटेट हो गया। प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स आर डिफरेंट इन शेप्स, साइज एंड कलर्स। प्लांट्स हैव बीन ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सो दे हैव डेवलप्ड सम स्पेशल फीचर्स इन देयर स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दोज हैबिटेट्स। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। देखिए बच्चों, आप लोगों को एडेप्टेशन का भी यहाँ पर डेफिनेशन निकाल दिया गया कि एडेप्टेशन क्या है, इसके बारे में आप लोग जान गए, और एडेप्टेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि क्या है, और आप चैप्टर के अंत में भी देखेंगे आपकी बुक में लिखा है हैबिटेट और एडेप्टेशन दोनों के बारे में लिखा है। प्लांट्स एडेप्ट देमसेल्फ टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट, इसके बारे में पॉइंट दिया हुआ है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए, आप समझ गए, तो जो एबिलिटी, दिस एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू एडजस्ट देमसेल्फ, एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट, जहां वो रहते हैं उस हैबिटेट के मुताबिक एडजस्ट करने का जो एबिलिटी होता है वह उसका एडेप्टेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, उनके आवास के आधार पर जो रहते हैं, जहां पर हैबिटेट, जहां पर रह गए पौधे, उनके आधार पर प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू वेज, उनको दो तरह से बांटा जा सकता है। एक होगा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो जमीन पर रहता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और दूसरा एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे। स्थलीय पौधे, आप जान गए पृथ्वी दो ही चीज से बना है, जल और स्थल, तो स्थल पर रहने वाले पौधे टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाएंगे, और जल में रहने वाले पौधे आपके क्या कहलाएंगे, एक्वेटिक प्लांट कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स, उनके रहने के स्थान के आधार पर हम लोग इसको दो भागों में बांट दिए, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। लेट अस नाउ टेक डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स एंड डिस्कस वेरियस एडेप्टेशन शोन बाय प्लांट्स ग्रोइंग देयर। अब वहां पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किस तरह आप अपने को ग्रो करता है लैंड पर, और एक्वेटिक प्लांट्स कैसे अपना सर्वाइव करता है वाटर में, इसके बारे में भी जानेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में जानते हैं। आइए मैं आपको बुक्स का वो पार्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप, जैसे लगे कि आपके पास अभी बुक्स नहीं भी हो तो आप उसको देख सकें। आइए मैं कैमरा के सामने आपके बुक्स को लाता हूं, आप देखिए। देखिए बच्चों, ये है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का जो लिखा हुआ आपके बुक्स में, क्या लिखा हुआ, देयर आर काउंटलेस टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड बट देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी फाउंड इन लैंड। सम पार्ट्स ऑफ लैंड हैव एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स वेयर एज सम हैव वेरी ड्राई एंड हॉट
desert regions. Some have very high mountains while some have flat plains. आप देख रहे हैं इसमें जो टेस्टियल का जो पार्ट होता है बच्चों, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो लैंड पर होता है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो प्लेन लैंड पर होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं। डेजर्ट मीन्स आप समझ रहे हैं रेगिस्तान, जहां बालू ही बालू होता है, जहां की भूमि मरुभूमि कहलाती है। तो आप एक विविधता देख रहे हैं, है ना, कि इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी आप मैंने लैंड पर भी पाया जाता है, जहां पर कि कहीं पर देखें गर्म रीजन है, कहीं एक्सट्रीम कोल्ड रीजन है, बहुत अधिक ठंड का प्रदेश है, और कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ज्यादा गर्मी में जो पौधे रहते हैं वो ज्यादा गर्मी के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, और जो ज्यादा ठंड में रहते हैं वो ठंड के मुताबिक अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं एडेप्टेशन का हिंदी शब्द हुआ अनुकूलन। एडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अनुकूलन। अब देखिए अगला है, अगला आपके बुक से मैं फिर दिखा रहा हूं, प्लांट्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। जो प्लांट्स हिल्स में और माउंटेन्स में होते हैं उनका जो फीचर्स होता है, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। हिल्स एंड माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। हिल्स और माउंटेन्स विंटर के सीजन में, जाड़े के समय में काफी वहां ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, बर्फ गिरता है वहां। इन हाई माउंटेन स्नो फॉल ऑकर्स फ्रिक्वेंटली। ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरियाज आर थीन। तो वहां पर जो ट्री होते हैं वो बहुत ही थीन, टॉल, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, और क्या होते हैं, और कोन शेप्ड होते हैं, कोन जैसा होता है वहां पर, यानी आगे का पार्ट बिल्कुल नुकीला होता है और पीछे की ओर थोड़ा सा, देखिए ये दिखाया गया है, दिखा रहा हूं मैं ये पिक्चर, देखिए स्प्रोस ट्री है ये, इस ये देख रहे हैं ना, स्प्रोस ट्री ये त्रिकोण जैसा ऊपर में नुकीला जैसा हो गया है, पीछे नीचे चौड़ा होता जा रहा है, इस तरह से लिप्स उसका, जिसके जो पत्ते होते हैं, लिप्स ऑफ द पाइन ट्री भी आपको वहां माउंटेन एरिया में, जो हिली एरिया है वहां पाया जाता है। इसका देखिए नुकीला पत्ता भी जो होता है वो कटीला होता है, कांटा के समान नुकीला होता है, किसी किसी का पत्ता हार्ड होता है, किसी किसी का सॉफ्ट होता है, लेकिन वो नुकीला होता है। द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर पॉइंटेड एंड नीडल टाइक सो एज टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब देखिए कंडीशन है, यहां पर आप लोग पढ़ लिए, आपने देखा कि टेरेस्ट्रियल प्लांट में, आप लोग देख लिए कि उसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट में दो, एक जो है कि काफी गर्मी, कहीं काफी गर्मी पड़ती है तो कभी कहीं पर काफी ठंड पड़ती है। जो पहाड़ी इलाका है वो ठंडे के मौसम में काफी ठंड हो जाता है, वहां बर्फबारी होता है, तो उसका उसी तरह से बनावट भी है, क्योंकि वहां पर रहने वाले जीव, चाहे वो आदमी में भी देखिए, एनिमल का भी वहां पर का जो है बनावट कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो वहां पर खासकर पौधों में ज्यादा देखने को मिलता है, पौधे का बनावट, पौधे का जो एडेप्टेशन उसी के मुताबिक वहां होता है, क्योंकि काफी बर्फबारी होती है वहां पर, इसलिए वहां थीन और पतला होता है कि उस पर बर्फ भी गिरे तो वो ससरकर नीचे चले जाए, उस पर रुके नहीं, ठीक है। और कौन शेप्ड का होता है, कौन शेप्ड आप समझ रहे होंगे, आप देखिए कौन शेप्ड का मतलब इस तरह का कौन शेप्ड, ये कहलाया बच्चों, ये कौन शेप्ड हुआ, यानी कि ये चौड़ा पार्ट नीचे का हो गया ऊपर का, ये वाला पार्ट जो है वो नुकीला, यानी बर्फ भी या कुछ भी गिरा यहां तो ये इस पर से करके नीचे की ओर चला गया, इस पर रहा नहीं, इसलिए यही एडेप्टेशन है, यही अपने आप को अनुकूलन, वहां के पौधे अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं वैसे वातावरण में जीने के लिए। तो आप देख लिए इसमें, देखा आपने स्प्रूस ट्री के बारे में देखा, द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर पॉइंटेड, वहां के जो पौधे होते हैं उनके जो पत्तियां होती है वो पॉइंटेड नीडल के समान होती है, और वो नीडल के समान इसलिए होती है कि उसमें एवपोरेशन की क्रिया क्या हो, यहां पर बताया गया है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कम उसका क्षेत्र होता है ऊपर में तो एवपोरेशन कम होगा, जिसके अंदर का जो उसका वाटर लेवल है वो कम नहीं हो प्लांट्स का। सो एज टू रिड्यूस द रेट ऑफ एवपोरेशन, देयर लीव्स हैव ए वैक्सी कोटेड, और उसका लिप्स भी जो वैक्सी कोटेड है, वैक्स का मतलब चिकनापन, जैसे वैक्स करते हैं मोम को, आप किसी चीज पर मोम लगाते हैं तो कैसा होता है, उसमें पानी यदि गिराएंगे तो पानी क्या होगा, गिर जाएगा, क्यों ऐसा वैक्सी होता है उसका लिप्स, क्योंकि उस पर जो हमेशा बारिश हमेशा ठंडा, वहां बर्फबारी होता है या फिर वहां ठंडा होने के कारण जो ठंडी कटीली हवा जो चलती है वो उसमें जो पानी की बूंदे उस पर पड़े तो वो नीचे उसके अंदर नहीं जाए, ज्यादा उसको ठंड न लगे, यानी कवरिंग लेयर हो गया
वो लीफ का, पेड़ का कवरिंग लेयर। इसीलिए वैक्सीकोटेड टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो, किसी भी स्नो से डैमेज करने के लिए वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यही एडेप्टेशन है बच्चों, ये यानी कि अनुकूलन, ये कंडीशन प्रकृति खुद ये कंडीशन बना करके पौधों में देती है ताकि वो उस स्थान के लिए अनुकूलित हो जाए, उस स्थान के लिए अडेप्ट कर जाए। यही प्रक्रिया एडेप्टेशन है। द पीक ऑफ सम वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। और वहां पहाड़ में, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, वहां पर तो काफी ठंड पड़ती है और वहां का जो पिक्स है, वो जो चोटी होती है पहाड़ की चोटी है, सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। नो ट्रीज कैन ग्रो हियर एज द सॉइल इज ऑलवेज फ्रोजन। वहां की मिट्टी भी जम करके बर्फ के समान हो जाती है, इसलिए कोई यहां पर ट्री नहीं हो सकता, भी कटीला वाला कांटा वगैरह होता है। सम मैट लाइक प्लांट्स लाइक फर्न्स मॉसेस एंड लीचेस ग्रो। यहां पर देखिए, आप पिक्चर देखिए, आप पिक्चर देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये देखिए मॉसेस, जो जहां पर बर्फीला, जहां बर्फ गिरता है वैसे स्थान पर जो होता है, किस तरह का पौधा होता है। देखिए मॉसेस को देखिए, आप नीचे वाला पिक्चर देखिए, डेट पाम भी वहां कुछ पाया जाता है। ये देखिए तो डेट पाम तो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, लेकिन आप ठंडे प्रदेश वाला जो है मॉसेस है, आपने देखा स्प्रूस ट्री को देख लीजिए, लिप्स ऑफ द पाइन ट्री, ये सब हो ठंडे प्रदेश के लिए। और जो मैंने अभी डेट पाम को दिखाई, ये डेजर्ट एरिया के लिए है। तो ये कंडीशन डेजर्ट, जहां की केवल गर्मी और केवल बालू ही है, वहां पानी का कोई नाम, वहां कटीला सब पौधा होता है। अब आइए डेजर्ट के बारे में जाने, डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट्स आर प्लेसेस, डेजर्ट क्या है पर इसको जाने, डेजर्ट्स आर प्लेसेस विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, या काफी कम बारिश होती है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, डेजर्ट में हमेशा पानी का स्कार्सिटी का अभाव रहता है। प्लांट्स विच ग्रोथ हियर हैव लॉन्ग रूट्स, दीज रूट्स गो डीप इन टू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर। और प्लांट्स का जो रूट्स है वो जमीन के अंदर काफी नीचे तक जाता है, वो पानी की खोज में, क्योंकि रूट्स को तो वाटर चाहिए प्लांट्स को सर्वाइव कराने के लिए, इसलिए उसका रूट्स भी बहुत लंबा होता है और बहुत नीचे तक जाता है। वहां के प्लांट्स का रूट्स काफी लंबे होते हैं। यू नो दैट द वाटर इन साइड ए प्लांट गेट्स एवरेटेड थ्रू इट्स लेवल थ्रू इट्स लीव्स। आप जानते हैं कि वाटर इन साइड ए प्लांट, प्लांट के अंदर जो वाटर होता है गेट्स इवेपोरेटेड थ्रू इट्स लीव्स, वह पत्ती के द्वारा उसका पानी इवेपोरेटेड क्रिया, इवेपोरेशन की क्रिया द्वारा, वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा वो पानी सोख लिया जाता, नहीं निकल जाता है। सो इसलिए टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, जल के अभाव यानी जल का जो लॉस होता है पौधे से पत्ती के द्वारा, उसको रोकने के लिए द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर आइदर रिड्यूस टू स्पिन और आर एबसेंट। इसलिए उसमें पत्ती होती ही नहीं है, पत्ती रहेगा तब तो उसे अब्जॉर्ब करेगा। और वो क्या होता है, वहां पर कैक्टस या आप देखेंगे पत्ती के बदला में नुकीला नुकीला कांटा जैसा निकलता है, कांटा नुमा है ना, पत्ता रहेगा तब तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, उसका ऑपरेशन ज्यादा होगा। इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देयर ग्रीन एंड फ्लैसी स्टेट। तो क्या होता है, तो उसमें तो कांटा होता है ठीक है, लेकिन जब पत्ता नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कहां पर होगा, यानी वो पौधा अपना भोजन स्वयं किस स्थान पर बनाएंगे, क्योंकि भोजन पौधे, हरा पौधे, हरे पौधे अपना भोजन पत्ते पर ही बनाते हैं। तो जब पत्ता ही नहीं रहेगा तो भोजन कैसे बनाएंगे, तो उनका जो स्टेम होता है बहुत ही बहुत मुलायम होता है स्टेम, वो स्टेम से ही, स्टेम के सारे ही बनाते हैं। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देयर ग्रीन एंड फ्लैसी स्टेम्स। उनका जो स्टेम होता है वो फ्लैसी होता है, गुद्दादार होता है ठीक है। द स्टेम ऑल्सो स्टोर्स वाटर एंड हैज ए लेदर लाइक कवर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। और जो स्टेम होता है वो लेदर लाइक कवर उस पर चढ़ा रहता है जो कि लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। कैक्टी, कीकार्स, बबूल, डेट पाम्स आर सम प्लांट्स फाउंड हियर। ऐसे ये कुछ पौधे हैं जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। अब आइए स्थलाकृति, यानी कि हम लोग जो देखे पृथ्वी पर दो चीज है, जल और स्थल। स्थल में जो स्थलाकृति में, स्थल में विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। उस विविधताओं में देखें पहाड़ी इलाका में जहां बर्फ होता है, जहां का रीजन काफी ठंड है, उस रीजन के पौधे कैसे होते हैं। फिर आपने देखा कि जहां डेजर्ट है काफी गर्मी पड़ती है, वैसे रीजन के पौधे किस तरह से
मैंने एडजस्ट करते हैं अपने वातावरण से, यानी वहां का एडेप्टेशन क्या है इसको देखा। अब आइए प्लेन्स, जहां पर कि आपको प्लेन्स एरिया में तो वाटर मिलता है, तो प्लेन्स के पौधे कैसे होते हैं। प्लेन्स आर रीजन वेयर प्लेंटी ऑफ लाइट वाटर एंड सॉइल इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ये कैसा स्थान है जहां की उसको पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, वाटर और मिट्टी सब कुछ मिलता है ना। बिकॉज ऑफ दिस ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड हियर, इसीलिए प्लेन्स एरिया में बहुत अलग अलग तरह के काफी पौधे पाए जाते हैं, फल वाले, फूल वाले, अन्न देने वाले, सब तो लैंड पर ही यानी प्लेन्स पर ही पाए जाते हैं। इसी में आपको क्लाइंबर्स है, इसी में हर्ब्स है, इसमें श्रब्स है, सब ज्यादातर हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट, ट्री, जो भी जानते हैं आप, इस सारा तो प्लेन्स एरिया में पाए जाते हैं। To get more and more sunlight, the trees spread out and grows mainly dense branches. और यहाँ चूंकि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिलने के कारण क्या होता है, यहाँ बड़े बड़े और घनेदार घने वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, सम प्लेन्स रीजन है कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स, और कुछ प्लेन्स रीजन में क्या होता है वो कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स होते हैं, ठंडे होते हैं और ड्राई विंटर्स होते हैं। ट्रीज इन दीज रीजन शेड देयर लीव्स इन ऑटम, और ऐसे रीजन से ऐसे प्लेन एरिया में ऑटम महीने में हेमंत ऋतु में एंड वाट हेमंत ऋतु और जाड़े की ऋतु में ये अपने पत्ते को छोड़ देते हैं पेड़, और फिर नए पत्ते उसमें आने लगते हैं। ठीक है, आप देखिए बुक्स को भी एक बार देखिए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखिए बुक्स को भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए बच्चों, प्लेन्स के बारे में है, प्लांट्स इन प्लेन्स, देखिए सम प्लेन्स रीजन हैव कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स, ट्रीज इन दीज रीजन शेड देयर, शेड मींस तो छोड़ देना, शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड विंटर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए छोड़ते हैं। दे गेट न्यू लीव्स अगेन इन स्प्रिंग, और फिर बसंत ऋतु में नए नए को उसमें कोपले आने लगती है, यानी पत्ते आने लगते हैं। मेनी प्लेन रीजन्स आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, हियर ट्रीज ट्राई टू ग्रो टॉलर टू गेट मैक्सिमम सनलाइट, सम फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट वेरी लिटिल सनलाइट रीचेज द ग्राउंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री इन सच फॉरेस्ट, ओनली सम स्मॉल क्लाइंबर्स ग्रो नियर द ट्रीज, मैंगो, नीम, बनियान, पीपल, गुलमोहर एंड सीसम ट्रीज आर सम ऑफ द ट्रीज ग्रोन इन प्लेन्स। तो आपने देखा कि प्लेन्स में जो आने वाले पेड़ हैं उनमें मैंगो है, नीम है, बनियान है, पीपल है, गुलमोहर है और सीसम है, ये सब आप देखें। कुछ पहाड़ी इलाके में जहां पर कि सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, वहां के पौधे जो हिल एरिया में खासकर दार्जिलिंग वगैरह जाएंगे आप, आसाम साइड जाएंगे जो, तो वहां पर क्या है कि बहुत लंबे लंबे टिक के पौधे हो जाते हैं, यानी कि वो सूर्य के प्रकाश को छूने के लिए, सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए वहां के पेड़ लंबे हो जाते हैं। अच्छा, पर्याप्त मात्रा मिलता है वहां के पौधे उतने लंबे नहीं होते हैं, वो घनेदार घने हो जाते हैं, वहां पर फैलते हैं ग्राउंड पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्लांट्स इन प्लेन्स के बारे में जान गए आपने। और प्लांट्स इन मार्सी प्लेसेस, दलदली क्षेत्र में होने वाले, जैसे आप देखेंगे मैनग्रोव ट्रीज, ये आप दलदली क्षेत्र का पौधा है। आप मैं फिर से आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, आप देखिए ये पिक्चर, ये पिक्चर देखना जरूरी है तभी आप समझ पाएंगे। ये देखिए जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, ये मैनग्रोव ट्रीज है, देख लीजिए। ये दलदली क्षेत्र जो होता है, जहां दलदल होता है वैसे क्षेत्र में ये पौधे पाए जाते हैं। प्लांट्स इन मार्सी प्लेसेस, इन सम प्लेसेस द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्लेवी बिकॉज ऑफ ए वेरी हाई वाटर कंटेंट, सच प्लेसेस आर कॉल्ड मार्सी और स्वैम्पी स्वैम्पी एरियाज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द सॉइल डज नॉट हैव इनफ एयर ट्रैप्ड इन इट बट रूट्स नीड एयर सो प्लांट्स ग्रोइंग इन सच प्लेसेस हैव रूट्स अबव द ग्राउंड टू गेट एयर फ्रॉम द एटमोस्फेयर, सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल, देखिए आप यहां लिखा हुआ है एरियल और ब्रीदिंग रूट्स। मैनग्रोव ट्रीज आर द मोस्ट कॉमन ट्रीज फाउंड इन मार्सी प्लेसेस।
आपने देखा, मैंने आपको चित्र भी दिखा दिया, तो कुछ प्लेसेस द सॉयल इज वेरी स्टिकी एंड क्लेई, जहां का सॉयल बहुत स्टिकी और क्लेई होता है क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में उस मिट्टी में पानी रहता है. सच प्लेसेस आर कॉल्ड मार्सी. वैसे वो हम लोग मार्सी या स्वैम्पी एरियाज कहते हैं. चूंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर ज्यादा होने के कारण द सॉयल डज नॉट हैव इनफ एयर ट्रैप्ड इन इट, इसलिए उसमें पानी नहीं रहता, जल्दी तो उसमें एयर नहीं ट्रैप कर पाता है वो सॉयल. जबकि जो सॉयल एयर ट्रैप करके रखता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए वो दलदली वाला क्षेत्र उपजाऊ होता नहीं. वहां पर कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो उस वातावरण के मुताबिक एडेप्ट होते हैं. ठीक है. बट रूट्स नीड एयर, सो प्लांट्स ग्रोइंग इन सच प्लेसेस हैव रूट्स अबव द ग्राउंड टू गेट एयर. इसलिए वहां जो मार्सी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनका जो है वो जो भी प्लांट वहां होता है उसका रूट बाहर क्यों निकलता है, जमीन से बाहर क्यों, चूंकि वो एयर को ले सके. तो उसका बनावट उसी प्रकार का है. ठीक है. अब आइए हम आते हैं प्लांट्स इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया में समुद्र तट के किनारे वाले क्षेत्र में, तो इसमें कोकोनट ट्री वगैरह ज्यादा आप देखें, ज्यादा कोकोनट हम लोग समुद्री तटीय क्षेत्र से ही हमारे पेन एरिया में कोकोनट आता है. यानी कोकोनट की खेती आप देखेंगे समुद्र के तटीय क्षेत्र में ज्यादा होता है. तटीय क्षेत्र मतलब हो गया कोस्टल एरिया, जो किनारे किनारे होता है समुद्र का क्षेत्र वहां होता है. एंड एरिया नियर द सी इज कॉल्ड ए कोस्टल एरिया, जो सी समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया कहता है. हियर द वाटर इज सॉल्टी, यहाँ का जो वाटर होता है सॉल्टी होता है, नमकीन होता है ना, समुद्र का जल खारा होता है. एंड द क्लाइमेट इज यूजुअली हमीद, और वहां क्लाइमेट भी बहुत, उसमें वहां के वायुमंडल में, वहां सॉरी वहां के वायु में, वहां के एटमोस्फियर में वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा होता है. ठीक है. द ट्रीज ग्रोइंग हियर हैव लॉट्स ऑफ लीव्स बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर. और जो यहाँ पर पेड़ होते हैं उसमें बहुत सारी पत्तियां, पत्ती संलग्न जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पत्ता वो छोड़ता नहीं, जिससे प्लेन्स एरिया में तो ऑटम और विंटर में पत्ता छोड़ के फिर नई पत्तियां आ जाती हैं, यहाँ पर पत्ता छोड़ने की जरूरत नहीं होती है. ठीक ना, क्योंकि यहाँ एपोरेशन क्या होगा, यहाँ तो हमीद वातावरण है, तो ह्यूमिड क्या मतलब, ह्यूमिड कहते हैं जहां पर की मैक्सिमम आर्द्रता हो, नमी हो, इसलिए वहां की पत्ती नहीं छूटती है, वहां पत्ता नहीं छोड़ता है वहां का पौधा. सो दे आर कॉल्ड द एवरग्रीन ट्री, इसीलिए उसको एवरग्रीन कहा जाता है, चूंकि हमेशा ग्रीन रहता है वहां से, पत्ती पतझड़ नहीं होता वहां. ठीक ना. कोकोनट टी पेपर रबर, रबर ट्रीज आर सम कॉमन ट्रीज फाउंड इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले ट्रीज का नाम आपने सुना. अब आइए एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में. अभी तक मैंने देखा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, उसमें भी जो हमने देखा डाइवर्सिटी की विविध जगह, जैसे पहाड़ी इलाका में कैसे पौधे होते हैं, इसके बाद आपने मैदानी क्षेत्र में कैसे पौधे होते हैं, कैसे पेड़ होते हैं, आपने देखा जहां ज्यादा ठंड पड़ रहा है तब फिर वहां पौधे किस तरह से अडेप्ट होते हैं, किस तरह से वो अपना कंडीशन अडेप्ट करते हैं. फिर आपने देखा ज्यादा गर्मी पड़ने वाले क्षेत्र में, रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में कैसे पौधे होते हैं. फिर आपने देखा कि जो पंखीली जमीन होती है, मार्सी एरिया होता है, तो वहां पर किस तरह के पौधे होते हैं, तो उसका क्या कंडीशन होता है, किस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो सर्वाइवल पॉइंट आपने सबका देख लिया. ये हो गया आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में. अब हम आते हैं इसके दूसरे पक्ष में, जो कि वो है आपका एक्वेटिक प्लांट्स, जो पौधे जल के अंदर, जैसे नदी के अंदर, समुद्र के अंदर जो पौधे होते हैं, उन पौधों के बारे में हम लोग जानेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में. ठीक बच्चों, अब आइए एक्वेटिक प्लांट्स में. बिसाइड्स ग्रोइंग ऑफ ऑन लैंड, प्लांट्स ग्रो इन वाटर ऑल्सो, मैंने प्लांट जो है वो तो लैंड पर होता ही है, इसके अलावे जल में भी पौधे होते हैं, और जल में जो पौधे होते हैं सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, मैंने प्लांट्स वो लिव इन द अंडरग्राउंड द वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है. एक्वेटिक प्लांट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. एक्वेटिक प्लांट्स को तीन भागों में बांटा गया, फिक्स्ड फ्लोटिंग एंड अंडर वाटर प्लांट्स. इसमें आप देखेंगे फिक्स्ड, आप देखेंगे फिक्स्ड प्लांट में क्या है, फिक्स्ड, दूसरा है फ्लोटिंग, तीसरा है अंडरग्राउंड अंडर वाटर. यानी तीन कंडीशन है. एक्वेटिक प्लांट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, फिक्स्ड नंबर वन, फिक्स्ड दूसरा, फ्लोटिंग तीसरा, अंडर वाटर प्लांट्स. अब फिक्स्ड प्लांट्स आप देखिए, आप थोड़ा सा बुक्स का भी सहारा लीजिए, बुक्स को देखिए, आप देख सकते हैं
ये देखिए फिक्स्ड प्लांट्स में दिखाया है, इसमें कौन सा लोटस, लोटस देखिए, दूसरा देखिए यहां पर क्या है, लोटस स्टेम यहां दिखाया जा रहा है और ये है लोटस लीफ। लोटस के बारे में यहां पर फिक्स्ड प्लांट में आपको फिगर बुक्स में दिखाया गया है। सम प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और द रिवर, दे ग्रो इन, यानी कि कुछ पौधे जैसे लोटस है या वाटर लिली है, उनके जो रूट्स हैं वो फिक्स होते हैं उस जल, जिस जल में होता है उस जल के नीचे वाले यानी बॉटम पर पेंदी में उसका फिक्स होता है और वह ऊपर में पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता है। दीज रूट्स कीप द प्लांट फिक्स एट वन प्लेस, और वही जो रूट्स होता है जो कि नीचे बॉटम में लगाता है वह क्या करता है, वह उसको स्थिर रखता है, किसको, उन पौधों को जो ऊपर में, जैसे वाटर लिली या आप देखिए लोटस को। दे हैव थीन लॉन्ग एंड स्पॉन्ज स्टेम, उनका बहुत पतला लंबा और गुद्दादार यानी स्पॉन्जी टाइप का, स्पॉन्जी आप समझ रहे हैं ना, स्पॉन्जी टाइप का स्टेम होता है। द स्टेम हैव लॉन्ग ट्यूब्स, और स्टेम में देखिए यहां पर पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये स्टेम देखिए लॉन्ग है ना, लॉन्ग ट्यूब्स विथ एयर इनसाइड, इसलिए स्पॉन्जी होता है, इसमें इसके अंदर एयर फंसा रहता है, ट्रैप्ड रहता है, इसलिए स्पॉन्जी होता है, इसलिए ट्यूब विथ एयर इनसाइड देम विच मेक देम लाइट, जिसके कारण कि इसका जो है वह स्टेम बहुत लाइट होता है, हल्का होता है। द लीव्स आर ब्रॉड एंड ग्रीन, और पत्तियां जो वो चौड़ी होती हैं और हरी होती हैं। एंड दे फ्लोट ऑन वाटर, और ये चौड़ा होने के कारण वाटर में तैरती हैं। एज द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स इज समर्ज्ड इन वाटर, और जो लोअर पार्ट होता है पत्ती का वो पानी में डूबा रहता है। द स्टोमाटा, जो कि स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा एक बहुत टीनी पोर्स, टीनी होल्स ऑफ द लीफ होता है, ठीक ना, जिसे श्वसन की क्रिया पौधे करते हैं। तो द स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन देयर अपर सरफेस, और जो स्टोमाटा होता है वो जो चौड़ा वाला पत्ता होता है उसके ऊपर वाले पार्ट पर होता है। द अपर सरफेस इज ऑल्सो कोटेड विथ ए वैक्सी सबस्टांस, ऊपर वाला जो वैक्सी सबस्टांस से कोटेड रहता है, उस पर लेप जैसा लगा हुआ रहता है वैक्सी सा, ताकि ऊपर में पानी ना ठहरे, यानी पानी उसको सड़ा ना सके। इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम स्टेइंग ऑन देम, और ये उसको वाटर पर स्टे करने के लिए देता है। ये वैक्सी जो चीज होता है, वैक्सी मटेरियल, वो क्या करता है, वो पानी को ठहरने नहीं देता है पत्ते पर, ठीक है। एंड ब्लॉकिंग द स्टोमाटा, और नहीं ठहरने की वजह से वहां का स्टोमाटा ब्लॉक नहीं करता है और वो पौधे अपनी श्वसन की क्रिया स्टोमाटा द्वारा कर पाते हैं और इस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, यानी उस कंडीशन के लिए ये सब पॉइंट्स है जिसके कारण कि वो वहां पर एडेप्ट हो जाते हैं। यही है एडेप्टेशन लोटस के लिए और आप देखिए वाटर लिली के लिए। अब आइए फ्लोटिंग प्लांट्स में भी देखिए, आप फ्लोटिंग प्लांट्स का देखिए यहां पर दिखाया जा रहा है, डकवीड, वाटर लेट्यूस और वाटर हाइसनिथ, ये तीन पौधे हैं जो कि फ्लोटिंग प्लांट्स में आते हैं, तैरने वाले, ये जल के ऊपर तैरते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक द डकवीड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हाइसनिथ फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स हैव थिन एंड डेंस रूट्स बट देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। ये इसका जो बॉटम, जिसे आप लोटस देखिए कि वाटर बॉडी के नीचे में जमीन से जाकर लगा था, लोटस में या लिली में आप देखिए, वाटर लिली में उसका एकदम बहुत ही पतला और जमीन से जाकर जो कि उसको स्टे करता था वहां पर, लेकिन ये कंडीशन इसमें नहीं होता, ये तैरते रहता है किस पर, वाटर सरफेस पर। अब देखिए आप आइए अंडर वाटर प्लांट्स, सम प्लांट्स लाइक हॉर्नवॉर्ट, हाइड्रिला, पॉन्डवीड ग्रो अंडर द वाटर, ये पानी के अंदर होने वाले होते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स आर ऑफ बोथ काइंड्स, और वाटर के अंदर भी ये दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, फिक्स्ड भी होता है और तैरने वाला भी होता है, दोनों कंडीशन, यानी कि फ्लोटिंग प्लांट्स और वो क्या कहते हैं फिक्स वाला, दोनों, जैसे आप देखें कि वाटर लेट्यूस या लोटस प्लांट, दोनों का कंडीशन इसमें होता है अंडर वाटर प्लांट्स में, कुछ तो तैरते रहते हैं और कुछ फिक्स हो जाते हैं बॉटम पर। इसमें देखिए आप हाइड्रिला, आप हाइड्रिला का दिखाए, आप देखिए पिक्चर भी देखिए, पिक्चर देखिए एक बार, पिक्चर देखना जरूरी है। ये देखिए अंडर वाटर प्लांट्स, सम प्लांट्स लाइक द
हॉर्नवॉट, देखिए हॉर्नवॉट का ये है, हाइड्रेला, हाइड्रेला यहां देखिए, ये हाइड्रेला का पिक्चर है, और ये देखिए पॉन्ड विंड है, तो यही देख रहे हैं ना। तो इसमें लिखा हुआ है सम प्लांट्स लाइक द हॉर्नवॉट, हाइड्रेला एंड क्या है पॉन्ड विंड ग्रो अंडर द वाटर, अंडर वाटर प्लांट्स आर ऑफ बोथ काइंड्स फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, देयर लीव्स आर थिन, उनके पत्तियां क्या होती हैं पतली होती हैं एंड नैरो और सक्रिय होती हैं एंड विदाउट एनी स्टोमाटा, उसमें स्टोमाटा नहीं होता, श्वसन तंत्र जैसे और में था वैसा इसमें स्टोमाटा नहीं होता है, द होल प्लांट्स इज एबल टू एब्जॉर्ब, तो उसका पूरा प्लांट्स ही एबल हो जाता है जो एयर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी उसमें टिनी होल्स नहीं होते हैं, वो पूरे प्लांट्स ही श्वसन की क्रिया खुद कर लेते हैं, वाटर में घुले हुए एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, जो भी गैस लेते हैं वाटर से ही ले लेते हैं, मॉइस्चर भी उसी से ले लेते हैं, इस प्रकार वह उस वातावरण में जीने के लिए अनुकूलित हो पाते हैं। तो आपने देखा अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में भी, तो इस तरह से आपने देखा एक्वेटिक प्लांट्स में फिक्स्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स किस प्रकार सर्वाइव करते हैं। फिक्स्ड अंडर वाटर प्लांट्स ऑब्टेन नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स सच फ्लोटिंग प्लांट्स रीच द प्लेसेस वेयर फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइट एयर टेम्परेचर ईटीसी आर फाउंड। तो आपने देख लिया कि एक्वेटिक प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स और अंडरवाटर प्लांट्स किस प्रकार सर्वाइव करते हैं, उनके साथ क्या क्या कंडीशन होता है अपना जीवन यापन करने के लिए, इस प्रकार वो जीते हैं उस कंडीशन को कैसे अडॉप्ट करते हैं और कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, इन सारी बातों को आपने देखा। अब आइए अब आते हैं हम लोग सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो असामान्य होते हैं। आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं, यानी कि जैसे मानव में भी हम लोग है ना हर्बीवोरस और कार्निवोरस, ओमनीवोरस पढ़े हैं आप लोग, तो उस तरह से कार्निवोरस जो कीड़े पतंगे या मांसाहारी होते हैं, यानी पौधे भी मांसाहारी होते हैं। अब देखिए इसके बारे में भी कुछ जानकारी हो सकता है आपके बुक्स में हो ही, यू हैव रीड अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, आप लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में दिया था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, द वेनस फ्लाई ट्रैप एंड द पीचर प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, द वेनस फ्लाई ट्रैप हैज पेयर्स ऑफ लीव्स दैट लुक्स लाइक जॉ विथ टीथ, व्हेन एन इंसेक्ट टचेस ए लीव द लीव स्नैप्स शट, द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड एंड इज डाइजेस्टेड बाय द प्लांट। आप आइए आपको दिखाते हैं, फिर इसको देखिए, ये पिक्चर दिखा है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को जानना चाहिए। ये देखिए आपको जो मैंने सामने लाया है ये पिक्चर, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है, दूसरा आप देखिए पीचर प्लांट का, ये देखिए किस तरह से पूरा अच्छी तरह से देख लें, आपको पूरा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं, ये पीचर प्लांट किस तरह इसमें कीड़े को फंसाया है, इसका दो लीफ जैसे है किस तरह से बंद हो जाता है, देखिए कलश के समान यहां पर आप देख रहे हैं, ये आप देखेंगे ये देखिए कलश के समान है ना, और ये ऊपर वाला पार्ट जिसमें फंसता है ये ऊपर वाला पार्ट, ये इसका अलग से यहां पर पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये पीचर प्लांट्स है। आप ये देखिए आप संड्यू किस तरह कीड़े को अपने में फंसा लेता है, तो ये सब उसके साथ कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के साथ अपना भोजन वो जो उस पर कीड़े जाते हैं उसका रस चूसने के लिए वो खुद फंस जाते हैं, और उसके जो पेटल्स होते हैं वो बहुत ही लुभावना रंगीन होते हैं और देखने में बहुत सुंदर होते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े को लुभाते हैं। देखिए इसमें आपका दिया द वेनस फ्लाई ट्रैप हैज पेयर्स ऑफ लीव्स, इसमें पेयर्स ऑफ लीव्स है ना, देख लीजिए यहां पर आप देख सकते हैं दो ठो पेयर्स ऑफ लीव्स है, ठीक है, दैट लुक लाइक जॉ विथ टीथ, जिसे लगता है दो दांत निकला हुआ हो, ठीक है, व्हेन एन इंसेक्ट टचेज ए लीफ, जैसे वो टच करते हैं लीफ पर द लीफ स्नैप शट, तुरंत वो जैसे देखिए यहां पर ये कीड़ा जैसे टच किया बस ये फट से बंद हो जाएगा, क्या होगा इस तरह से था ये इस तरह से बंद हो जाएगा, द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड इट्स डिजाइंड बाय द प्लांट्स, और यहां पर भी देखिए यहां पर भी जैसे खुला हुआ कलसी का पौधा ये है, इसमें जैसे जाएगा बस ये ऊपर जो ढक्कन जैसा फट से गिर जाएगा ये बंद हो जाएगा, ये पीचर प्लांट में। तो इस तरह से ये सब प्लांट जो है उनके साथ ऐसा कंडीशन होता है जिससे कारण जिससे वो अपना भोजन लेते हैं।
The leaves of the pitcher plants are like a cup with a lid, then contains sweet nectar. The nectar attracts insect. जो नेक्टर होता है वो बहुत मीठा होता है, उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए, जैसे उसको चूसने के लिए उसमें जाते हैं कीड़े जाते हैं या फतिंगे जाते हैं या बटरफ्लाई या कोई भी छोटा छोटा जो कीड़ा हो जाता है उसको लेने बी जाती है मधुमक्खी, भौरा भी जाता है, भौरा को भी ट्रैप करने का शक्ति है इसमें, और उसको जैसे घुसेगा स्पट से उसको ऊपर से ढक्कन लिड उसका गिर जाएगा, और जब लिड गिर जाएगा धीरे धीरे उसका डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहां पर डाइजेशन की प्रक्रिया इनके द्वारा होता है। तो इस तरह ये आप देखें सम अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में आपने देखा। अब जाइए एपिफाइट्स, पैरासाइट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, इन सब के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग ले लें। ये सब अनयूजुअल प्लांट्स में ही आएंगे। अनयूजुअल प्लांट्स में आप इंसेक्टिवोरस देखें, आइए आप एपिफाइट्स के बारे में जाने। सम प्लांट्स लाइक मॉसेस, अभी आपको मैंने पिक्चर दिखाया था, एंड फर्न्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, ये सब दूसरे प्लांट्स पर उग जाते हैं। देयर रूट्स डू नॉट ग्रो इन द सॉयल, उनके रूट्स जो है वो सॉयल मिट्टी में नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स अटैच देमसेल्फ टू द प्लांट्स दे ग्रो ऑन, जो प्लांट्स बढ़ रहा है उसी में अटैच, जैसे पेड़ के ऊपर से उग जाएगा, पेड़ का जो ब्रांच है पेड़ के ब्रांच पर भी ये उग जाता है। एपिथाइट बहुत सारे देखिए, आप यहां पर देखिए पिक्चर देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए है ना, आप देखिए ये क्या ब्रांच है कोई पेड़ का, उसके ऊपर से एपिफाइट्स उग गया है। ये दूसरा देखिए, ये क्या अमरबेल है, अमरबेल भी देखिए इसका जड़ जमीन में नहीं गया है बल्कि वो झाड़ीदार पौधा है उसके ऊपर ही है। ये देखिए आप पर्पल स्मोक ट्री भी, ये सारे तीनों जो है। तो इसमें जो आपको अभी हम बताने जा रहे थे ये एपिफाइट्स के बारे में बता रहे थे, एपिफाइट्स का हम आपको करेक्टर बताए कि कैसे होता है। दूसरा आप जो देखिए जिसमें कि आपने देखा अमरबेल, ये है आपका पैरासाइट्स जिसका भोजन दूसरे पर निर्भर करता है, यानी ये जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन दूसरे पौधे के भोजन से लेते हैं, दूसरे पौधे से लेते हैं, वो पैरासाइट्स है। फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स भी देखिए यहां पर, इसे नॉन ग्रीन प्लांट्स है पर्पल स्मोक ट्री, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स का पिक्चर है, ये पिक्चर को ध्यान में रखिए मैं बता रहा हूं। फिर अब आइए, तो आपने देखा एपिफाइट्स को देखा कि वो दूसरे पेड़ के ऊपर उग जाते हैं, उसके जो रूट्स है वो जमीन पर नहीं रहते हैं। पैरासाइट्स में क्या हुआ कि दूसरे प्लांट्स ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, हाँ दे स्टील फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर नॉन एज पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। द डोडर प्लांट्स इंक्लूडिंग अमरबेल आर पैरासाइट प्लांट्स, तो दो आपको पैरासाइट प्लांट्स का नाम मैंने बताया, एक है आपका अमरबेल, दूसरा है डोडर प्लांट्स। देर आर क्लाइंबर्स, ये क्लाइंबर्स होते हैं दैट ट्विंस देमसेल्फ अराउंड ए ट्री, जो कि ट्री के चारों तरफ जाकर के ऊपर ट्री के तना पर चढ़ जाते हैं, ब्रांच पर चढ़ जाते हैं, उसी पर रहते हैं, ट्री पर ही रहते हैं। दीज विद द हेल्प ऑफ देयर सकर्स, उनमें सकर्स निकलता है जो कि उसके स्टेम में घुस करके या उसके पत्ती में घुस करके उससे उसके रस को चूस लेता है ना, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द ट्री। अब नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसको पर्पल स्मोक ट्री जिसका पिक्चर में दिखा है इसके बारे में जाने। नॉन ग्रीन प्लांट्स आर द वंस हैविंग लिटिल क्लोरोफिल, इसमें बहुत कम क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है, व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इन बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो इन नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या क्लोरोफिल बहुत कम होता है, नहीं होता, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस लाइक एनी अदर प्लांट्स बट अदर केमिकल्स इन द लीव्स मास्क द क्लोरोफिल गिविंग द लीफ ए नॉन ग्रीन ह्यू, पर्पल स्मोक ट्री एंड ब्लू कोलोरेडो स्प्रूस आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स, नया नाम है ना, कोलोरेडो स्प्रूस और दूसरा क्या है पर्पल स्मोक ट्री, ये दोनों पौधे का नाम याद रखेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स में है। इसमें इसकी बात क्या, इसमें थोड़ा सा जानकारी दी कि इसमें क्लोरोफिल काफी कम होता है और क्या होता है ये दूसरे माने दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस लाइक एनी अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स की तरह ये अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं बट दे केमिकल्स इन द लीव्स मास्क
द क्लोरोफिल गिविंग द लीफ द अदर केमिकल्स इन द लिप्स मास्क. लिप्स मास्क में कुछ अदर केमिकल होता है, जैसे वो जो पर्पल रंग का दिखाई देता है ना, केमिकल मास्क है जो कि क्लोरोफिल के क्षति को क्षतिपूर्ति करता है, और ये अपना फोटोसिंथेसिस करके ये भी अपना भोजन तैयार करते हैं. ठीक है बच्चों, तो आपने देखा किस प्रकार नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं. इस प्रकार आपने देखा कि सम अनयूजुअल प्लांट्स में हमने देखा इंसेक्टिवोरस, एपिफाइट्स, पैरासाइट्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स. अब आपका इस प्रकार हम देखते हैं कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है इससे रिलेटेड वो मैंने आपको आज ही डाल दिया है, दे दिया है मैंने. आप उसको निश्चित रूप से देखें, पढ़ें और उसको अपने फेयर नोटबुक में निश्चित रूप से लिखें. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक या कोई दूसरा अगले सब्जेक्ट को लेकर के, फिर आपके बीच हम आएंगे. बहुत जल्दी आते हैं, तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान से पढ़ाई करें. थैंक यू.